आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर वन आपका एडवांस स्ट्रक्चरल अलजेब्रा चल रहा है। इसकी सेकंड यूनिट चल रही है। इसमें ये सेकंड टॉपिक है। सेकंड यूनिट में अधिकतर यूनिवर्सिटीज में दो टॉपिक आते हैं। फर्स्ट टॉपिक में सॉल्युबल ग्रुप है और सेकेंड टॉपिक में निलपोटेंट ग्रुप है। दो यूनिट जो है इसमें अधिकतर यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे ये ग्रुप थ्योरी पे ही बेस्ड है पूरा, और जिसमें आपका सब नॉर्मल एंड नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज, और उसके बाद उसी पे बेस्ड आपका सॉल्युबल ग्रुप और निलपोटेंट ग्रुप, ये सब आपका टॉपिक इसी पे ही बेस्ड है, सब नॉर्मल एंड नॉर्मल सीरीज पे। फिर थर्ड यूनिट से आपका एक्सटेंशन फील्ड आएगा, थर्ड फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में अधिकतर यूनिवर्सिटीज में अल्जेब्रिकली क्लोज फील्ड आता है, फाइनाइट फील्ड आता है। फाइनाइट फील्ड अच्छा टॉपिक है, और फाइनाइट फील्ड से ही एक्चुअली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स निकला है, जो कि आपका आपका कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, कंप्यूटर में, है ना। और इसके बाद लास्ट थ्योरी गैलोस थ्योरी रहेगी। लास्ट यूनिट में अपने गैलोस थ्योरी पढ़ना है। तो ये आपका निलपोटेंट ग्रुप में कल जो लास्ट लेक्चर में जो है इसकी डेफिनेशंस की थी। इसमें टोटल आपके सारी डेफिनेशन समझा दी, एग्जाम्पल समझा दिए। इसमें इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि एक आपके उसमें जो है सारी डेफिनेशन आ जाए निलपोटेंट ग्रुप की, और ये आपका टोटल 22 स्लाइड है, तो आपका जो है फर्स्ट और लास्ट हटाओगे तो 20 स्लाइड है। तो 20 स्लाइड में चार चार स्लाइड एक में लेते जाओ, तो आपका आपके चार लेक्चर में पांच पांच स्लाइड करके चार लेक्चर में इसको खत्म करेंगे, तो फर्स्ट थ्योरम आपकी आ जाएगी। फर्स्ट थ्योरम ही बड़ी है, बाकी सब आपके छोटी छोटी आती है, ठीक है। द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ ए ग्रुप, द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ ए ग्रुप टर्मिनेट्स टू ई, ई मीन तत्समक अवयव। द लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ ए ग्रुप टर्मिनेट्स टू ई आफ्टर N+1 स्टेप्स इफ एंड ओनली इफ द अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ जी, इफ एंड ओनली इफ द अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ जी टर्मिनेट्स टू जी आफ्टर N+1। एक्चुअली क्या है, जो लोअर सेंट्रल सीरीज कल डेफिनेशन बताई थी, ये आपका घटते विक्रम में, तो जी की जैसे उपसमूहों की श्रृंखला लोगे, और इसमें आपका है सब नॉर्मल सीरीज, उसके ग्रुप्स डिफाइन किए गए, जैसे ये आपका सबस्क्रिप्ट मारा, जैसे G2 लोगे, जैसे G G1, और ये G1 और जो आपका ये रहती है कॉमुटेटर सीरीज जो आपने सॉल्युबल ग्रुप में पढ़ी, उसमें आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हो, तो G1 फर्स्ट ऑर्डर वाला सेम रहता है ना। और उसमें लेते हैं हम लोग, जैसे G2 लेना है तो G1 G1 लेंगे, तो उसको G-, लेकिन यहाँ जो रहेगा तो G2 मीन G G1, तो उसमें जो ये आपका जिस सेट से जनरेट होंगे उसके एलिमेंट होंगे ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी। अगर आप ऐसे लिखो कि एक्स इनवर्स ए इनवर्स एक्स से, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू जी और ए बिलोंग्स टू जी वन, तो जैसे आपको मान लीजिए G3 लेना है, तो G3 आपका होएगा G G2, G G3, G G2 में के जो अवयव होंगे वो किस समुच्चय से जनरेट होंगे, जिसके अवयव होना चाहिए वाई इनवर्स वी इनवर्स वाई बी, जहां पे वाई जी में और बी आपका G2 में, इस तरह से चलते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ के जब आप GN डिफाइन कर लोगे तो आप GN+1 डिफाइन कर सकते हो, तो GN+1 होगा GGN, इसके एलिमेंट आप ले सकते हो जेड इनवर्स, या फिर आप यू में ले लीजिए यू इनवर्स ए इनवर्स, अगर जैसे ए और बी ले सकते हो तो लास्ट में आप जेड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक नोटेशन एक सीक्वेंस चल रहा है, यू इनवर्स जेड इनवर्स यू जेड, यू इनवर्स जेड इनवर्स यू जेड, जहां पे यू आपका समूह जी में होगा और जेड जो है ये होगा जीएन में, तब आप ये नेचेसरी पार्ट ले रहे हैं। हम ये प्रमेय आप यही आपके थ्योरम जो है लंबी पड़ती है, बाकी सब इसमें छोटे छोटे रिजल्ट हैं। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर किसी समूह की लोअर सेंट्रल सीरीज में आपके N+1 पद है, तो अपर सेंट्रल सीरीज में भी N+1 पद होंगे। अपर सेंट्रल सीरीज ई से स्टार्ट होके जाएगी जी तक, और जो लोअर सेंट्रल सीरीज है वो जी से स्टार्ट होके ई तक जाएगी। और लोअर सेंट्रल सीरीज में सेंटर सब डिफाइन करते हैं, जो समूह का केंद्र होता है वो समूह का आबेली भाग होता है। केंद्र में वो अवयव आते हैं जो कि समूह के शेष सभी अवयवों से क्रम इनमें नियम का पालन करते हैं, ठीक। फिर आपने जो आगे जाके डिफाइन किए, Z0 बराबर लेते हैं ई, और Z1 बराबर Z G का मतलब पूरा समूह का केंद्र। फिर हम लेंगे जैसे Z2 अपॉन Z1, Z2 अपॉन Z1, फिर हम आगे के जो डिफाइन करेंगे हायर ऑर्डर सेंटर्स वो डिफाइन करते हैं, जैसे Z2 अपॉन Z1 सेंटर Z ऑफ G अपॉन Z1। फिर आपने लिया Z3 अपॉन Z2, Z3 अपॉन Z2 विल बी Z G अपॉन Z2 सेंटर ऑफ G अपॉन Z2। तो फर्स्ट सपोज GN बराबर ही, मतलब द लोअर सेंट्रल सीरीज टर्मिनेट्स टू ई आफ्टर N+1 स्टेप। इन अदर वर्ड्स, आपको एक लोअर फाइनाइट लोअर सेंट्रल सीरीज मिलेगी, आप स्टार्ट कर रहे हो जीरो से, और ये G बराबर G0 G1 G2 GN, ये फाइनाइट सेंट्रल सीरीज है,
तो हमें ये मान लीजिए एन प्लस वन पदों के बाद समाप्त हो रही है, ठीक है। हम लोगों ने वैसे जो सबनॉर्मल सीरीज लिया था तो जीरो से स्टार्ट करके एन तक ले जाते, तो वो एन लेंथ की कहलाती, और वन से लोगे तो एन प्लस वन तक। इसमें केवल सुविधा के लिए यहाँ पे एन लिया, वरना यहाँ पे लेना चाहिए अपने को एन प्लस वन, है ना। फिर वो एक्चुअली आगे जाते जाएंगे तो इसमें अपने उसके लिए बस केवल है ना। ये मान लीजिए आपने लिया फाइनाइट लोअर सेंट्रल सीरीज जी की, अब हमें प्रूफ करना है, जी एन बराबर ई दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि जो अपर सेंट्रल सीरीज है वो टर्मिनेट कर रही जी को आफ्टर एन प्लस वन स्टेप। मतलब अगर आपको जी एन बराबर ई, अगर आपको दिया हुआ है जी एन बराबर ई, तो जी एन जो है ये एन ऑर्डर का लोअर सेंट्रल सीरीज का टर्म है, तो हमें प्रूफ करना होगा जेड एन बराबर जी, हमें प्रूफ करना होगा जेड एन बराबर जी। फॉर दिस हमें ये दिखाना होगा, इससे चलेंगे हम लोग, इसी से आपके रिजल्ट आएगा कि हम दिखाएंगे कि मान लीजिए जेड आई, और ये सिंबल किसका, सुपरसेट का। अगर इधर से पढ़े तो जी एन माइनस आई इज सबसेट ऑफ जेड आई, जेड आई मीन आई ऑर्डर का सेंटर है ना, तो जेड आई इज सुपरसेट ऑफ जी एन माइनस आई, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। वी प्रूव इट बाय इंडक्शन ऑन आई, हमें इसे प्रूफ करेंगे आई पे आगमन विधि से। ये यहाँ पे जीरो बना है कि ये जैसा लग रहा है जैसे ओ जैसा बन गया। चलो इफ आई बराबर जीरो अगर आप ले रहे हो तो क्या होगा, जेड जीरो बराबर ई, आपने देख लिया पीछे जेड जीरो बराबर ई, और ई है जी एन, तो जी एन की जगह लिख दीजिए जी एन माइनस जीरो, ठीक। तो आपने प्रूफ किया जेड जीरो बराबर जी एन, तो ये अगर आ गया जेड जीरो बराबर जी एन, तो जेड दो सेट अगर बराबर है तो एक दूसरे के सबसेट होंगे, है ना, प्रॉपर नहीं। जैसे जेड जीरो अगर आप ले रहे हो ए बराबर बी, दो सेट्स लें ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ए बराबर बी मीन ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो जेड जीरो बराबर अगर ले रहे हो जी एन माइनस जीरो, तो जेड जीरो इज सुपरसेट ऑफ जी एन माइनस जीरो, हमें ये चाहिए, ये ले लिया, उसका रिवर्स मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए जेड जीरो इज सुपरसेट ऑफ जी एन माइनस जीरो, इसलिए सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर आई बराबर जीरो, इसलिए रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा आई बराबर जीरो के लिए। लेट द रिजल्ट बी, अब आप आगमन विधि से चूंकि चल रहे हो, मान लीजिए लेट द रिजल्ट बी ट्रू, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर एन बराबर आई, तो हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ जेड आई इज सुपरसेट ऑफ जी एन माइनस आई, हमें दिखाना है जेड आई प्लस वन, जेड आई प्लस वन इज सुपरसेट ऑफ जी एन माइनस और आई प्लस वन एक साथ। कैसे प्रूफ करोगे इसको, आपको इसका सबसेट दिखाना है जी एन माइनस आई प्लस वन को, सबसेट दिखाना जेड आई प्लस वन, तो यहाँ कोई एलिमेंट ले लीजिए वो यहाँ पे आना चाहिए, है ना। हाँ तो ये अगर अपने को अपने आई अपने को दिखाना है जेड आई प्लस वन सुपरसेट ऑफ जे जी एन माइनस आई प्लस वन, तो आपने कोई एलिमेंट लिया ए बिलोंग्स टू जी एन माइनस आई प्लस वन, और ये सब चूंकि सब ग्रुप हैं जी के, तो सबसेट है जी के, तो आपने लिया ए बिलोंग्स टू जी एन माइनस आई प्लस वन सबसेट ऑफ जी, ठीक। ए जी में हो गया, बी भी जी में हो गया। अब आप देखिए ये आप आई प्लस वन एक साथ लेते हो, इसका मतलब क्या हुआ एन माइनस आई माइनस वन, तो जो डेफिनेशन है वो जी एन माइनस आई की डेफिनेशन क्या है, जी एन माइनस आई की डेफिनेशन है, इसको लिखना चाहिए अपने को जी एन माइनस आई माइनस वन, एक कम रहता है। जी टू लेते हो जी जी वन, जी थ्री लोगे जी जी टू, जी फोर लोगे जी जी थ्री, तो जैसे जी एन माइनस आई लिया तो एक और घटाओगे एन माइनस आई माइनस वन। तो इसके एलिमेंट कैसे होना चाहिए, इसके एलिमेंट होना चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए, बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए, बी जी में और ए जी एन माइनस आई माइनस वन, बी बिलोंग्स टू जी ए बिलोंग्स टू जी एन माइनस आई माइनस वन, ठीक है। ये अगर आपका जो एलिमेंट आया बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए, ये आ गया जी एन माइनस आई, है ना। और जी एन माइनस आई सबसेट किसका है, यहां से देखिए इक्वेशन वन से जेड आई का, तो बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए ये आ गया जेड आई में, है ना, और बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए आया जेड आई में। अब आप आगे देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए आपने अब दिखा लिया जेड आई में, अब आगे देखिए यस। तो अब आप यहाँ पे आ गए कि अब आपको विलोमता चल रहे हो ना, ये दिस दिस ओके, तो ये फॉर एवरी आई नीचे आ गया, तो यहाँ तक आ गया, तो ये जेड एन बराबर जी, तो ये आ गया यहाँ तक, ठीक। अब अगला वाले में चलिए, तो अब अपने को प्रूफ करना है, और दिस वी प्रूव दैट जी आई इज सबसेट ऑफ जेड एन माइनस आई, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट जी आई इज सबसेट ऑफ, इससे हमारा काम बन जाएगा अगर हम ये प्रूफ कर लें। अब आप देखोगे उस उधर के पार्ट से थोड़ा सा अलग है नोटेशन, है ना, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, यही थ्योरम लंबी बाकी तो छोटी छोटी है इसमें।
जी आई सबसेट ऑफ जेड एंड माइनस आई फॉर एवरी आई, वी अगेन प्रूव इट बाई इंडक्शन ऑन आई। फिर से हम जो है पुनः जो है हम गणितीय आगमन विधि से प्रूव करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। और आगमन विधि किस पे लगाएंगे, आई, यदि आई बराबर जीरो लें। फॉर आई बराबर जीरो वी हैव जी जीरो बराबर जी, जी बराबर जेड एन, है ना, ये दिया हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं जेड एन माइनस जीरो। तो इससे आगे जी जीरो इज सबसेट ऑफ जेड एन माइनस, दोनों साइड से होगा, ये और ये दोनों साइड बराबर है, जी जीरो बराबर जेड एन माइनस जीरो, दो साइड बराबर है, तो इससे आता है एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो जी जीरो सबसेट ऑफ जेड एन माइनस जीरो, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर आई बराबर जीरो। अब मान लीजिए कि आपका आगमन की परिकल्पना कि आई के लिए सत्य है, सपोज जी आई सबसेट ऑफ जेड एन माइनस आई, जी आई सबसेट ऑफ जेड एन माइनस आई इज गिवन, हमें दिखा रहा है वी हैव टू शो दैट जी आई प्लस वन, वी हैव टू शो दैट जी आई प्लस वन इज सबसेट ऑफ जेड एन माइनस आई प्लस वन ब्रैकेट, जी आई प्लस वन इज सबसेट ऑफ जेड एन माइनस ब्रैकेट में आई प्लस। अब आप डेफिनेशन देखिए, जी आई प्लस वन की क्या डेफिनेशन है, जी आई प्लस वन की डेफिनेशन है जी जी आई, इसके एलिमेंट होंगे एक्स इनवर्स ए इनवर्स एक्स से, एक्स बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी आई, ठीक है। तो अगर आप लेते हो ए बिलोंग्स टू जी आई, आपने मान लीजिए लिया, ठीक, तो अगर ए बिलोंग्स टू जी आई लोगे और जी आई यहाँ पे आपने मान के चले, इससे सबसेट ऑफ जेड एन माइनस आई, मतलब आई के लिए सत्य मान, आई बराबर जीरो के लिए दिखा दिया, आई के लिए मान के चलिए, आई प्लस वन के लिए दिखा दिया, ऐसा। तो ए बिलोंग्स टू जी आई लोगे तो सबसे आएगा ये जेड एन माइनस आई में, ठीक, ए बिलोंग्स टू जेड एन माइनस आई, तो ए बिलोंग्स टू जेड एन माइनस आई अगर लेते हो, ए बिलोंग्स टू जेड एन माइनस आई किस में होना चाहिए फिर, अगर ये दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू जेड एन माइनस आई से अपने को मिलेगा ए, ये कोसेट्स हैं, ये छोटा एलिमेंट लिख रहे हो, ये बड़ा वाला मतलब ये सब ग्रुप हुआ, तो ये हुआ ए जेड कैपिटल एन माइनस आई प्लस, ये क्या है, लेफ्ट कोसेट है ए का एलिमेंट इसमें, तो किस में आया, आपका ए जेड एन माइनस आई में था, तो ये आया ए बिलोंग्स टू जेड एन माइनस आई, जेड एन माइनस आई अपॉन जेड एन माइनस आई माइनस वन, है ना, एन माइनस आई अपॉन एन माइनस आई माइनस वन। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है ये किसके बराबर है, जेड मीन केंद्र, जी अपॉन जेड एन माइनस आई माइनस वन, जी अपॉन जेड एन माइनस आई माइनस वन का केंद्र, द सेंटर ऑफ जी अपॉन जेड एन माइनस आई प्लस वन, बाय डेफिनेशन दस बाय डेफिनेशन सेंटर ऑफ दिस जी एन माइनस सेंटर ऑफ जी अपॉन जेड एन माइनस आई माइनस वन, जी अपॉन जेड एन माइनस आई माइनस वन, तो वी हैव दिस, अपने को मिला क्योंकि ये सेंटर में आ गया था, ये एलिमेंट सेंटर में, ठीक है, ये एलिमेंट चूंकि आपका सेंटर में आ गया, तो ये सेंटर में आया, तो ये जो एलिमेंट है ए जेड एन माइनस आई माइनस वन, ये आपका क्रमन्वय नियम का पालन करेगा, प्रत्येक अवयव एक्स जेड एन माइनस आई माइनस वन, ए जेड एन माइनस आई प्लस वन विल कम्यूटेट विद एवरी अदर एलिमेंट एक्स जेड एन माइनस आई प्लस वन। तो इसका मतलब हुआ ए जेड एन माइनस आई माइनस वन इंटू एक्स जेड एन माइनस आई माइनस वन, तो ये आई माइनस वन का मतलब ब्रैकेट में हो गया, तो इसका क्रम बदल दीजिए, एक्स जेड एन माइनस ब्रैकेट में आई प्लस वन इंटू ए जेड एन माइनस आई प्लस वन। यहां पर देखिए एक्स आपका जी में है, ठीक, तो एक्स यदि जी में है तो आपका ये जो आया एक्स जेड एन माइनस आई प्लस वन ब्रैकेट में आई प्लस वन, या इसको लिख सकते हैं हम लोग बोलने में अपना, या तो बोलिए जेड एन सबस्क्रिप्ट में एन माइनस आई माइनस वन, या फिर आप लिखिए जेड एन माइनस आई प्लस वन, ये आया किसमें, जी अपॉन जेड एन माइनस आई माइनस वन। तो ये जो एलिमेंट आया एक्स जेड एन, ये लेफ्ट कोसेट है, दिस इज लेफ्ट कोसेट, एक्स जेड एन माइनस आई माइनस वन, ये आ गया किसमें, जी अपॉन जेड एन माइनस आई माइनस वन। इसलिए सो दैट ए एक्स जेड एन माइनस आई माइनस वन बराबर आया एक्स ए दिस, है ना, ये आपका सेंटर, चूंकि इसमें आ गया, है ना, तो ये आपका, ये अब आप यहां से यहां ले आओ, ठीक, तो ये आ गया, यहां से यहां करोगे तो मिला अपने को ए एक्स जेड एन माइनस आई माइनस वन बराबर एक्स ए जेड एन माइनस आई माइनस वन। और ये जब आया तो आप जैसे आप लिखते हो ना, जैसे जी आप कोई समूह लीजिए, उसका आप उपसमूह लीजिए एच, विभाग समूह जी अपॉन एच पे विचार करिए,
तो आपका ए एच बराबर बी एच, ए स्मॉल एच कैपिटल, और इसी तरह से बी स्मॉल एच कैपिटल, तो ए एच बराबर बी एच इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो जैसे आपने लिखा ए एक्स जेड एन माइनस आई माइनस वन, यहाँ लिखा एक्स से, तो ये हो गया ए एक्स इनवर्स एक्स से बिलोंग्स टू जेड एन माइनस आई माइनस वन, इससे एक्स इनवर्स ए इनवर्स एक्स से बिलोंग्स टू जेड एन माइनस आई माइनस वन। तो आपने प्रूफ किया कि एक्स इनवर्स ए इनवर्स एक्स से, जो कि आपका आप लेके चले थे जी आई प्लस वन में, है ना, आपने पिछली स्लाइड में देखा एक्स इनवर्स ए इनवर्स एक्स से जी आई प्लस वन में लेके चले थे, और आपने दिखा दिया एक्स इनवर्स ए इनवर्स एक्स से को जेड एन माइनस आई माइनस वन, तो इससे आया जी आई प्लस वन इज सबसेट ऑफ जेड एन माइनस आई प्लस वन, आई प्लस वन ब्रैकेट में, या जेड एन माइनस आई माइनस वन, इससे आया जी आई सबसेट ऑफ जेड एन माइनस आई फॉर एवरी आई। अब आप ले लो आई बराबर एन, तो जी एन इज सबसेट ऑफ जेड एन माइनस एन, जेड जीरो बराबर ई, जेड जीरो इज ई, जी एन सबसेट ऑफ ई, ये भी आप जानते हो कि जी एन, हाँ जी एन सबसेट ऑफ ई, और ये भी आप जानते हो कि तत्समक अवयव तो हर समूह और उसके उपसमूह में होगा, तो ई सबसेट ऑफ जी एन, तो ये आ गया जी एन बराबर ई इफ जेड एन बराबर जी इज गिवन। ठीक, ये आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और पेपर वन चल रहा है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इसमें जो है आपका अपने सेकेंड यूनिट चल रही है, और इसमें टॉपिक चल रहा है आपका निलपोटेंट ग्रुप। तो इसमें लास्ट लेक्चर में ये थ्योरम की गई थी कि एवरी निलपोटेंट ग्रुप इज सॉल्युबल, हाउएवर द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। अब आप आ जाइए कि अब अपने को आज कौन सी थ्योरम करनी है, ये ठीक, तो अपने को ये थ्योरम, थ्योरम थर्ड, ये अपने को करनी है। ठीक है, तो ये थ्योरम भी कह रही है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट जेड बराबर जेड जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप, ग्रुप के लिए सिंबल आपका रहता है कैपिटल जी, और जब आप लिखते हो जेड बराबर जेड जी तो ये समूह का केंद्र रहता है, समूह का केंद्र जो होता है उसका आवेली भाग होता है, आवेली भाग का मतलब वो समूह के शेष सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, है ना। लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट जेड बराबर जेड जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप, देन जी इज निलपोटेंट इफ जी अपॉन जेड जी इज निलपोटेंट, मतलब ये थ्योरम ही कह रही है कि जी निलपोटेंट तब बनेगा यदि g upon zg nilpotent हो। nilpotent के लिए आपका क्या definition आती है कि इसके lower central series और इसीलिए upper central series finite हो, क्योंकि पहली theorem जो आपने की कि जितने terms आपके lower central series में होते हैं उतने ही upper central series में होते हैं, lower central series घटते क्रम में रहती है, upper central series बढ़ते क्रम में रहेगी, lower central series समूह g से प्रारंभ होकर e पे समाप्त होगी, और upper central series e से प्रारंभ करके, क्योंकि e जो रहता है तत्समक अवयव वो समूह के सही सभी अवयवों से क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो जो एकल समुच्चय हुआ E वो सभी अवयवों से क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो अपने को प्रूफ करना है कि G निलपोटेंट होगा यदि केवल यदि नो सॉरी G निलपोटेंट होगा यदि G अपॉन जेड जी निलपोटेंट है, मतलब हम अभी आप एक्चुअली ये थ्योरम नहीं किए कि सब ग्रुप ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट और होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप निलपोटेंट, जब आप ये प्रूफ कर लो सब ग्रुप तब आप उल्टी साइड से प्रूफ हो जाएगा। अभी अपने इस थ्योरम में ये प्रूफ कर रहे हैं कि यदि जी कोई समूह है, जेड जी इसका केंद्र है, और यदि जी अपॉन जेड जी निलपोटेंट है तब जी निलपोटेंट है, आपको दिया हुआ है गिवन जी अपॉन जेड जी निलपोटेंट, लेट दी फाइ, अब चूंकि जी अपॉन जेड जी निलपोटेंट है तो उसकी फाइनाइट अपर सेंट्रल सीरीज होगी और लोअर भी होगी, हमारा काम अपर सेंट्रल सीरीज का है, तो उसके माना कि इसकी जो फाइनाइट अपर सेंट्रल सीरीज है वो आपका है जेड बराबर जेड जीरो जी अपॉन जेड, और ये जो सिंबल आ रहा है समकोण त्रिभुज का ये प्रसमान उपसमूह के लिए, इसमें जो खड़ी भुजा रहती है उसकी तरफ रखते हैं समूह और प्रसमान उपसमूह यहाँ हुआ, तो इसको हम पढ़ेंगे जेड बराबर जेड जीरो जी अपॉन जेड, ये नॉर्मल है किसमें, ये प्रसमान उपसमूह जेड वन जी अपॉन जेड, तो जेड जीरो जो है जीरो ऑर्डर का G upon Z का सेंटर हुआ, जो विभाग समूह है G upon Z इसका शून्य क्रम का केंद्र हुआ जो के बराबर है Z के, है ना, Z बराबर Z0, ठीक, और Z1 G upon Z ये नॉर्मल होगा, Z2 G upon Z सेकंड ऑर्डर का सेंटर G upon Z का, और ये Zn G upon Z बराबर G upon Z, here Zg is the center of G, देखो क्या है कि जब आप यहाँ पे लिख रहे हो z बराबर z0 g upon z तो zg सेंटर g का है, और यहाँ पे g upon zg का सेंटर भी जो है ये zg ही होगा,
हाँ इसलिए होगा क्योंकि जो विभाग समूह होता है जी अपॉन एच, जो कोशेंट ग्रुप डिफाइन करते हैं ना, जी अपॉन एच जिसके सदस्य क्या होते हैं, कोसेट्स, सह समुच्चय। तो जेड जी जो है ये सेंटर है जी अपॉन जेड जी का। तो इस स्थिति में ई बराबर जेड जीरो नॉर्मल एंड जेड वन, नॉर्मल एंड जेड टू, नॉर्मल जेड एन, जेड एन प्लस वन, ये अपर सेंट्रल सीरीज जी की हो जाएगी। ये तो खैर सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन था कि यदि यहाँ पे आप ले रहे हो जेड जीरो जी अपॉन जेड, नॉर्मल जेड वन जी अपॉन जेड, नॉर्मल जेड टू जी अपॉन जेड, बीच और बीच लास्ट में आप एंड कर रहे हो जेड एन जी अपॉन जेड बराबर जी अपॉन एच। तो ई बराबर जेड जीरो नॉर्मल जेड वन, नॉर्मल एंड जेड टू, बीच में जेड एन प्लस वन एंड सो ऑन, अपर सेंट्रल सीरीज। हमें ये दिखाना है कि ये फाइनाइट रहेगी। वी हैव टू शो दैट दिस सीरीज टर्मिनेट्स टू जी आफ्टर फाइनाइट मेनी स्टेप्स। वी हैव टू शो दैट दिस सीरीज टर्मिनेट्स टू जी आफ्टर फाइनाइट मेनी स्टेप्स। नेक्स्ट वी डिफाइन फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप्स बाय इंडक्शन एज फॉलोज। अब हम जो है आगमन से, आगमन जो गणितीय आगमन विधि होती है जो कि चलती है इंटीजर्स के फंक्शन के ऊपर, कि शून्य के लिए आपने सिद्ध करते हैं, फिर आपका कोई एक फिक्स नंबर पे आप वेरीफाई मान के चलिए, जैसे हमने एन के लिए मान के चलिए एन प्लस वन, दिखा दीजिए इंडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट वी डिफाइन फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप्स, नेक्स्ट वी डिफाइन फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप्स बाय इंडक्शन, नेक्स्ट वी डिफाइन फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप्स बाय इंडक्शन एज फॉलोज, है ना। कैसे डिफाइन कर रहे हो, जेड वन अपॉन जेड, जेड वन अपॉन जेड को ले रहे हैं जेड जीरो जी अपॉन जेड, जेड जीरो जी अपॉन जेड को आपने जेड जी लिया, ध्यान रखना है ना। तो जेड वन अपॉन जेड बराबर, तो वो बराबर ही है क्या, जेड वन अपॉन जेड, जेड वन अपॉन जेड बराबर जेड जीरो जी अपॉन जेड, फिर जेड टू अपॉन जेड, जेड टू अपॉन जेड बराबर जेड वन जी अपॉन जेड। अब आप ध्यान देना, पिछले थ्योरम में जब हम लोग करते थे, यहाँ करते थे जेड वन अपॉन जेड जीरो, जेड टू अपॉन जेड वन, जेड थ्री अपॉन जेड टू, इस तरह चलते थे जेड एन प्लस वन अपॉन जेड एन। लेकिन इसमें नोटेशन अलग जा रहा है, ये जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आता था उसको यहाँ ले गए, मतलब जेड वन अपॉन जेड बराबर जेड जीरो ले रहे हैं, जेड टू अपॉन जेड बराबर जेड वन। और पिछली थ्योरम से हम लोग नोटेशन यूज करते थे जेड टू अपॉन जेड वन बराबर जेड जी अपॉन जेड, जेड वन अपॉन जेड जीरो बराबर जेड जी अपॉन जेड। लेकिन अब हम कर रहे हैं जेड वन अपॉन जेड बराबर जेड जीरो जी अपॉन जेड, जेड टू अपॉन जेड बराबर जेड वन जी अपॉन जेड, और इन जनरल जेड एन प्लस वन अपॉन जेड, जेड एन प्लस वन अपॉन जेड बराबर जेड एन जी अपॉन जेड, और जेड एन जी अपॉन जेड बराबर जी अपॉन जेड जी। आपके जो क्वेश्चन वन आपने अभी देखी, जेड वन जी अपॉन जेड, अगर आपको यहां से देखना होता मैं फिर ये ब्रेक करना पड़ेगा एक सेकेंड के लिए, चलो कहीं पहले कर लो। तो जेड एन जी अपॉन जेड, जेड एन जी अपॉन जेड बराबर जी अपॉन जेड जी। तो अब आपकी स्थिति बनी, ये देखो यहाँ पे है जेड एन प्लस वन अपॉन जेड और यहाँ क्या है जी अपॉन जेड, जेड एन प्लस वन अपॉन जेड बराबर जी अपॉन जेड, जेड एन प्लस वन अपॉन जेड बराबर जी अपॉन जेड, इससे आगे जेड एन प्लस वन बराबर जी। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है, अगर आप इसको वो करें, इसको अगर आप इसको घेरना चाहें, तो जेड एन प्लस वन बराबर जी, ठीक। तो अगर आप वहां पे देखो तो वो हुआ था कि आपने माना था यहाँ पे जो कोशेंट ग्रुप वाली जो अपर सेंट्रल सीरीज थी किसकी, जी अपॉन जेड की, आपने लिया था जेड एन जी अपॉन जेड। एक्चुअली क्या है, जी बाई एच विभाग समूह का, जी बाई एच विभाग समूह की एच आइडेंटिटी होता है, जी बाई एच विभाग समूह की आइडेंटिटी होती है एच। तो जेड एन जी अपॉन जेड बराबर जी अपॉन जेड, अगर जेड एन जी अपॉन जेड बराबर जी अपॉन जेड है तो आपका आप जाके प्रूफ हुआ जेड एन प्लस वन बराबर जी, है ना। क्योंकि ये जो चीज है जेड एन जी अपॉन जेड, ये बराबर हुआ जेड एन प्लस वन अपॉन जेड, और जेड एन प्लस वन अपॉन जेड बराबर जी अपॉन जेड लोगे तो जेड एन प्लस वन बराबर जी। सो द अपर सेंट्रल सीरीज टर्मिनेट्स टू जी आफ्टर एन प्लस वन स्टेप्स, द अपर सेंट्रल सीरीज ऑफ जी अपॉन जेड जी टर्मिनेट्स आफ्टर एन स्टेप्स, तो जी अपॉन जेड जी। मतलब ये हुआ कि जो जी अपॉन जेड जी, जी अपॉन जेड जी की जो अपर सेंट्रल सीरीज है वो जेड जी से स्टार्ट करके जी अपॉन जेड जी भी समाप्त हो रही। तो यदि जी अपॉन जेड जी के अपर सेंट्रल सीरीज में एन पद हैं, तो जो जी की अपर सेंट्रल सीरीज होगी उसमें एन प्लस वन पद होंगे। सो दे आपके जी की अपर सेंट्रल सीरीज में एन प्लस वन पद होंगे यदि जी अपॉन जेड जी की
अपर सेंट्रल सीरीज में एन पद है, इसलिए जी नील पोटेंट होगा, यानी जी अपॉन जेड जी नील पोटेंट, ये थ्योरम आपकी, है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए, अब देखो आगे अगला वाला सब ग्रुप। अब आपकी पहली थ्योरम ही बस नील पोटेंट ग्रुप में बड़ी, बाकी सब छोटी छोटी है। टोटल स्लाइड अगर देखोगे यहाँ नीचे दिख रहा होगा 12/22, 12/22 मतलब 12वीं स्लाइड चल रही, टोटल 22 22 स्लाइड्स में आपकी थ्योरम, तो चार लेक्चर में करना पड़ेगा। तो सब ग्रुप ऑफ ए नील पोटेंट ग्रुप इज ऑल्सो नील पोटेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। Prove that subgroup of an अगले आपका आएगा homomorphic image of a nilpotent group is nilpotent. Subgroup of a nilpotent group is also nilpotent. Let G be a nilpotent group and let H be a subgroup of G. मान लीजिए G nilpotent group है, H उसका कोई subgroup है। अगर आप ले H बराबर H zero, G बराबर G zero. Then for H बराबर H zero, G बराबर G zero. We get this. चूंकि H आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, H बराबर सॉरी H सब ग्रुप लिया G का, H बराबर H0, G बराबर G0, तो आपको मिला H0 इज सबसेट ऑफ G0। नेक्स्ट वी हैव H1 बराबर H H0, नेक्स्ट वी हैव H1 बराबर H H0, और चूंकि आपका यहाँ पे ये सबसेट है तो ये हो जाएगा सबसेट ऑफ G0 बराबर G1, मतलब हुआ H1 इस जैसे H0 सबसेट ऑफ G0, यहाँ है H1 इस सब, ये देखो सबसेट का सिंबल है H1 is subset of G1, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो और ले लो ब्लैक वाला, यहाँ पे आप लिख दीजिए आराम से दिखेगा, इससे आ रहा आपका H1 is subset of G1, इससे देखिए आ रहा H1 is subset of H1 is subset of G1, H1 is subset of G1, ठीक है। अब आपको इसी प्रक्रिया को जारी रखिए, अब मान लीजिए आपने दिखा लिया HI subset of GI, है ना, HI subset of GI भी given, next we have HI plus 1 बराबर HHI, ये जो आपके lower central series की तरह इसी तरह define करते हैं, मतलब जैसे आप जब commutator series ले रहे थे जिसमें आप superscript में ऊपर लिखते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग H0 H0, जैसे आप मान लो G2 करना है तो G1 G1 ऊपर superscript में, G2 यहाँ ऊपर रखते हैं G1 G1 ऐसा, या G2 बराबर G डैश डैश, तो इसमें जो लोअर सेंट्रल सीरीज के सिस्टम है ये आता है HI plus 1 बराबर H H H I सबसेट ऑफ G G I G I plus 1, तो आपने प्रूफ कर लिया, तो यहाँ आपने प्रूफ करा है यहाँ पे HI plus 1 इज सबसेट ऑफ G I plus 1, तो जैसे आपने ये किया है ऐसे ही यहाँ, तब आपने दिखा दिया यहाँ पे आप लिख लीजिए H I plus 1 H I plus 1 इज सबसेट ऑफ G I plus 1, एच आई प्लस वन इज सबसेट ऑफ जी, अब ये इसके बाहर नहीं जाएगा, अपने को इसी में करना पड़ेगा, इसी के अंदर रहो होंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा, एच आई प्लस वन इज सबसेट ऑफ जी आई, ठीक है, तब आपने इसका मतलब दिखा लिया एच जे सबसेट ऑफ जी जे फॉर एवरी जे। अब चूंकि जी निलपोटेंट है तो जी चूंकि निलपोटेंट है तो जी एम बराबर ई हुआ, जी निलपोटेंट है तो जी एम बराबर ई हुआ फॉर सम एम, इसलिए जे बराबर यदि एम ले तो एच एम इज सबसेट ऑफ जी एम बराबर ई, मतलब यहाँ पे क्या दिखाया आपने एच एम इज सबसेट ऑफ जी एम बराबर ई, तो मतलब हुआ एच एम इज सबसेट ऑफ ई, और ये आप जानते हो कि हर समूह में आपका जो रहता है तत्समक अवयव रहता ही है, और जो समूह की आइडेंटिटी रहती है वही उसके सारे उप समूह की आइडेंटिटी रहती है, तो आपका ई सबसेट ऑफ एच एम, इससे आगे एच एम बराबर ई, हेंस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज, ये हो गया। थ्योरम फाइव, एवरी एबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट, एवरी एबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट, आज ये दूसरा लेक्चर थ्योरम का है, हम चार से ज्यादा अपने को लेक्चर नहीं करना इसमें, ठीक है। थ्योरम फाइव, एवरी एबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड थ्योरम, तो ये सब शॉर्ट आंसर में आ जाएगी, और ये इसके लिए आप चूंकि वो दिखा रहे हो इंपॉर्टेंट करना चाह रहे हो, तो इंपॉर्टेंट
Every abelian group is nilpotent. हाँ, कैसे करोगे? एवरी एबिलियन ग्रुप इज निलपोटेंट, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, देन वी गेट G1 बराबर G1। देखो यही है, ये जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है ये है कॉमुटेटर सब ग्रुप फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो नीचे लिख रहे हो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑर्डर का लोअर सेंट्रल सीरीज के टर्म। तो G1 बराबर जी जी G1 बराबर जी जीरो, ये जो आ रहा है जी जी जीरो, ये इसकी वजह से आ रहा है ना, ये G1 बराबर ये, और ये जो आ रहा है ये यहाँ आ रहा। ठीक है, अगर आप वैसा आप ये लिखना चाहो तो ऐसा जाएगा, देखो ये आएगा यहाँ पर, ये एक्चुअली ये जो नोटेशन है इसके अनुसार ये आया, और ये जो आया ये आया यहाँ पर। ठीक, अब आप देखिए वैल्यू क्या हुई इसकी। इसकी जो डेफिनेशन है ये है ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, ए ओ बी बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स बी इनवर्स, और ये चूंकि जी एबिलियन है ए ओ बी जी में है तो ए बी बराबर हो गया बी ए, तो ये हो गया बी इनवर्स बी, एक साथ ले लीजिए ई, फिर ए इनवर्स ई ए, तो ए इनवर्स है ई, तो G1 बराबर ई, इसलिए एबिलियन ग्रुप मिल पड़ गया। ठीक, पांच थ्योरम हो गए। थ्योरम सिक्स, एक ये थ्योरम ये कह रही है कि लेट जी नॉट इक्वल टू बी ई बी निलपोटेंट, लेट लेट जी नॉट इक्वल टू ई बी निलपोटेंट, देन जेड जी इज डिफरेंट फॉर मी। मतलब क्या होता है, क्योंकि क्या है, ई जो रहता है वो आपका तुच्छ रूप से आपका निलपोटेंट रह ही करेगा, तो यदि आप ले रहे हो कि जी नॉट इक्वल टू ई निलपोटेंट, मतलब ये कि समूह जो है उसमें तत्समक अवयव के अतिरिक्त तो और भी अवयव आ रहे हैं, लेट जी नॉट इक्वल टू ई बी निलपोटेंट, देन जेड जी नॉट इक्वल टू ई, मतलब यदि आपका जी निलपोटेंट है तो समूह के केंद्र में भी ई के अतिरिक्त और भी अवयव होंगे, जी नॉट इक्वल टू ई निलपोटेंट है तो जेड जी नॉट इक्वल टू ई, बिल्कुल शॉर्ट थ्योरम, लेट जी नॉट इक्वल टू बी निलपोटेंट एंड लेट इफ पॉसिबल जेड जी बराबर ई। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं विरोधाभास से, लेट जी नॉट इक्वल टू ई बी निलपोटेंट एंड लेट इफ पॉसिबल जेड जी बराबर ई। तो यदि आप जेड जी बराबर ई लोगे तो आपकी स्थिति बनी ई बराबर जेड जीरो बराबर जेड वन जेड टू जेड एन एंड सो ऑन, सो देयर विल बी नो अपर सेंट्रल सीरीज, एंड आपका कोई अपर सेंट्रल सीरीज ही नहीं बनी, तो जी आपका निलपोटेंट नहीं रहेगा यदि जेड जी बराबर ई लेते हो। इसलिए यदि जी नॉट इक्वल टू ई निलपोटेंट है तो जेड जी नॉट इक्वल टू ई, यदि जी नॉट नॉट इक्वल टू ई निलपोटेंट है तो जेड जी नॉट इक्वल टू ई। तो ये आपके हो गए टोटल छह थ्योरम। एक और देख लो छोटी सी थ्योरम है, अभी तो अपने पास कितना टाइम है, 5 मिनट का टाइम और है। तो 5 मिनट में ये भी बहुत इजी सी है, तो इसको आप बंद कर सकते हैं, 14 8 अभी स्लाइड और है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, है ना, ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज ऑल्सो निलपोटेंट। तो इसको भी बढ़िया आप रेड में लेके इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज, ये थ्योरम आपकी। ठीक, इसका प्रूफ देख लीजिए, अपने को प्रूफ करना है इसमें छठी थ्योरम के होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट, और दूसरा क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट। आपने लिया लेट एफ एच टू के बी सर्जेक्टिव या ऑनटू आच्छादक प्रतिचित्रण, तो आप दो चीजें यहाँ ले रहे हो, आच्छादक प्लस समकारिता। एफ एच टू के, एच एक सब ग्रुप के सब ग्रुप, एच आपने निलपोटेंट ले रहे हैं, आपको प्रूफ करना के निलपोटेंट। एफ एच टू के बी ऑनटू होमोमॉर्फिज, लेट एच बी निलपोटेंट टू प्रूव दैट के इज ऑल्सो निलपोटेंट, मतलब के इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप एच, के इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप एच, अपने को प्रूफ करना है के भी निलपोटेंट। नेक्स्ट सपोज एच बराबर एच जीरो एंड के बराबर के जीरो, नेक्स्ट सिंस एफ इज ऑन टू, नेक्स्ट सिंस एफ इज ऑन टू एफ एच जीरो बराबर के जीरो, क्योंकि एफ एच बराबर के होगा ना, एफ अगर ऑन टू मैप ले रहे हो तो ऑन टू मैप की वजह से जो इसका इमेज सेट होगा अंडर एफ दैट विल बी इक्वल टू के, और एच बराबर एच जीरो के बराबर के जीरो, तो एफ एच जीरो बराबर हुआ के जीरो। नेक्स्ट वी हैव एफ एच वन, एच वन की डेफिनेशन एच एच जीरो, फिर ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा एफ एच जीरो, एफ एच बराबर के जीरो के वन, तो ये आया एफ एच वन बराबर के वन, फिर एफ एच टू बराबर एफ एच टू की जगह एच एच वन, फिर अंदर बांटा एफ एच वन एफ एच की जगह के, एफ एच वन बराबर के वन, ऊपर से आ गया एफ एच वन बराबर के वन के टू, तो आपका एफ एच टू बराबर के टू। कंटिन्यूइंग दिस, ये सब इंडक्शन से प्रूफ हो रहा है। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस सपोज भी है एफ एच एन बराबर के एन, सपोज भी है
FHN बराबर KL, FHN बराबर KL, then we have FHN plus 1, HN plus 1 की जगह लिखिए H, HN बराबर FH, FHN, FH की जगह लिखा K, FHN की जगह लिखा KN, KN plus 1, तो आपने निकाल लिया FHN plus 1 बराबर KN plus 1, यहाँ बराबर हो रहा पिछले सब ग्रुप वाले सबसेट था, तो आपने प्रूफ कर लिया FHJ बराबर KJ for every J. अब आप देखो, next से H is nilpotent, HN बराबर E होगा किसी N के लिए, HM बराबर E, H is nilpotent, HM बराबर E for some positive integer N. So that we get FHM बराबर HM जगह E लिखा, FE बराबर E dash. मतलब E यदि आइडेंटिटी H की है, तो E dash आइडेंटिटी हम लोग ले रहे हैं K की. यदि E आइडेंटिटी आप दे रहे हो H की, तो E dash आइडेंटिटी ले रहे हैं K की. And the identity of K. Also FHM बराबर KN as proved earlier. ठीक है? तो KM बराबर E dash और K is nilpotent, FH is nilpotent. Thus homomorphic image of a nilpotent group is also nilpotent. Second part के लिए इतना ही काफी है कि ये जो मैपिंग होगी ये नेचुरल होमोमॉर्फिस कहलाती है. F G से G by H is a natural onto homomorphic. So if G is nilpotent, then the quotient group G by H being an onto image of a nilpotent group is also nilpotent. So we are stopping here. ठीक. Next lecture में आपका दो हो सकता है, next lecture में ये खत्म हो जाए. ठीक, यहाँ पे आप थे कि इस प्रक्रिया को आपने जारी रखा और मान लीजिए आपने डिफाइन कर लिया nth ऑर्डर लोअर सेंट्रल सीरीज टर्म ऑफ h क्रॉस k, nवें क्रम का h क्रॉस a का लोअर सेंट्रल सीरीज का पद, और इस प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया तो अगला बढ़ेगा यहाँ पे h क्रॉस j, h क्रॉस k 2, मतलब सेकंड ऑर्डर का, और ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, सीधे सीधे आप देख रहे हो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा. तो मान लीजिए आपने लिया एच एन, H cross KN बराबर H N cross KN, तो अगला आपका आया H cross KN plus 1, ये बना H परिभाषा के अनुसार H cross K, H cross K का N order का सब सब ग्रुप है ना, लोअर सेंट्रल सीरीज का पद. अगले बार ध्यान रखना कोई भी सब आपका वही ask to join का ऑप्शन लेना आपको जब आप एंटर करो, और ये आपका बराबर हुआ H cross KN, तो ये यहां से ले लीजिए अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया H N cross KN, और ये जो चीज आपने लिखी यहाँ पे जैसे जो भी आप पद ले रहे हो एच जीरो क्रॉस के जीरो ये वाला है ना, तो ये अंदर चला जाता एच क्रॉस के और एच जीरो, ये जो चीज है ये जो बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये मतलब आप समझ लो ये कॉम्यूटेटर टाइप की कोई चीज हुई जो एक सेट से जनरेट होने वाले सब ग्रुप है, और इनके पद जो होते हैं वो आपका जैसे अगर आप लो क्या कहना चाहिए एच क्रॉस के है ना, तो एच क्रॉस के जब आप लोगे तो या ए बी, तो ए बी जैसे ऑर्डर्ड पेयर अगर आप लोगों की कैपिटल ए कैपिटल बी, इसके एलिमेंट आपके किस सेट से जनरेट होंगे ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा है ना. ये अगला आप देखो यहाँ पे आ गया एच क्रॉस के एच एन क्रॉस के एन, तो ये अब आप ये जो चीज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे जैसे एच क्रॉस के एच जीरो क्रॉस के जीरो बराबर एच एच जीरो क्रॉस के जीरो, यही चीज यहाँ आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए Yes, इसको कंप्लीट करें, तो ये आपका आया एल अगर आप ले रहे हो मैक्सिमम एम आर, तो एच क्रॉस के एल बराबर एच एल क्रॉस के एल, जैसे आपने ये प्रूफ किया है ना, ये आपने प्रूफ कर दिया ये दिस वन, तो इसको अभी हाईलाइट किया था लगता है ये सेव नहीं हुआ, इसको आप ऐसा कर दो फॉर ईच जे, आपने प्रूफ किया कि ये जो आप लोअर सेंट्रल सीरीज पद ले रहे हो इसका मतलब एक्चुअली लिखने का ये हुआ कि H क्रॉस K की जो लोअर सेंट्रल सीरीज का पद है J ऑर्डर का वो बराबर होगा H की लोअर सेंट्रल सीरीज का J ऑर्डर का टर्म इनटू K की लोअर सेंट्रल सीरीज का टर्म J ऑर्डर का, तो ये आपका बराबर हो गया E, तो H क्रॉस K का आपका जो है लोअर H क्रॉस K L, तो ये बराबर हुआ H क्रॉस K L, आपने प्रूफ किया H cross K L बराबर E, इसका मतलब हो गया H cross K की जो लोअर सेंट्रल सीरीज है उसमें पदों की संख्या है L परिमित, इसलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H cross K nilpotent ग्रुप H और K ये भी nilpotent है, एक ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट अपना एक्चुअली जो ऊपर आपने यूज किया था एक्चुअली ये रिजल्ट आपने यूज किया है
ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, ये जो आप बड़े ब्रैकेट बना रहे हो ये ले रहे हो कॉमेंटेटर वाली डेफिनेशन से है। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का ये जो आपने अरेंजमेंट है ये बराबर है ए सी क्रॉस बी डी, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी ए सी क्रॉस बी डी। अब आप कैसे प्रूफ करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, लेफ्ट हैंड साइड है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, इसके टर्म्स कैसे होना चाहिए, ये पद होना चाहिए एक्स क्रॉस वाई, सॉरी इसके पद मतलब ये जो सेट आप लिखे हो पूरा ये वाला, यहां तक देखिएगा बड़ा ब्रैकेट इसके अंदर मंझला ब्रैकेट, तो ये जो पूरा है आप बड़े ब्रैकेट का मतलब आप जनरेट करने वाला बता रहे हो, तो इसके जो एलिमेंट है वो है आपके एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई, जहां पे एक्स बराबर ए बी और ये किसमें होना चाहिए ए और बी के डायरेक्ट प्रोडक्ट में, है ना। तो ये सिंबल में कहीं भी आपका वो सर्किल वाला नहीं यूज कर रहा है लेकिन है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का आशय जो है, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। एक्स बराबर ए बी और ए क्रॉस बी और वाई बराबर सी डी सी क्रॉस डी, ये बराबर हुआ ये पहुंच गए आपका ए बी इनवर्स, है ना। यहाँ वैल्यू रखी एक्स की वैल्यू लिख दी आपने, एक्स की वैल्यू ऑर्डर पेयर ए बी तो ये एक्स इनवर्स है, फिर वाई की वैल्यू सी डी ऑर्डर पेयर इनवर्स ए बी सी डी, ये आपके चार्ज पहली बात तो ये यहाँ पे आना चाहिए ए बी इनवर्स, ये कैसे जाएगा, ये जाएगा ये यहाँ पे ए बी ए क्रॉस बी में, सी डी आपका जो है ये सी क्रॉस डी में, ये माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखे लिखने में नहीं आ रहा था सी क्रॉस डी इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ना। तो ये बराबर हुआ ए बी, अब आपका गया इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स ए बी सी डी, है ना, ए बी ए क्रॉस बी में सी डी सी क्रॉस डी में, तो ये हुआ आपका एक साथ गुणा करें, ये जब आपके ऑर्डर पेयर जैसे टू टपल्स हैं टू टपल्स के गुणा कैसे करते हो, है ना, टू टपल से गुणा होगा ए इनवर्स सी इनवर्स ए सी ये पहला आ गया, दूसरा बी इनवर्स डी इनवर्स बी डी ये दूसरा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए इनवर्स सी इनवर्स ए सी बी इनवर्स डी इनवर्स बी डी, ये दो ब्रैकेट बन रहे हैं ना, अंदर ये टर्म दिखाया आपने पूरा ए इनवर्स सी इनवर्स ए सी, ये किसमें है आपका ए सी और दूसरा बी इनवर्स डी इनवर्स बी डी ये बी डी में, तो पहला वाला क्या बना ए सी ऑर्डर पे और ये बना बी डी, है ना, ये आप। अब आपके अगली थ्योरम जो आ रही है थ्योरम नाइन, दो थ्योरम बची हैं, अच्छा आपका थ्योरम है ये आप याद रखते जाओ कि यदि किसी समूह की कोटि ये आप लिखते हो ऑर्डर जी बराबर पी की पावर एन, यदि किसी समूह की कोटि जो है ये अभाज्य कोटि की घात में अभाज्य संख्या की घात में हो ऑर्डर जी बराबर पी की पावर एन, पी आपका प्राइम नंबर एन धन पूर्णांक, इसमें क्या तीन चीजें आती है, पहला ऑर्डर जी यदि पी की पावर एन है तो जो समूह का केंद्र होगा जेड जी उसमें तत्समक अवयव ई के अतिरिक्त और भी अवयव होंगे, दूसरा ऑर्डर जी यदि पी की पावर एन है तो आपका जी सॉल्युबल होगा और पिछले वाले टॉपिक में देखा था, तो यदि ये यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं ऑर्डर जी पी की पावर एन जी इज निलपोटेंट, इन अदर वर्ड्स ऑल प्राइम पावर ग्रुप्स आर निलपोटेंट, सभी जो आपके प्राइम पावर्स मतलब ग्रुप का क्या मतलब हो गया, ऐसे सभी समूह जिसमें सदस्यों की संख्या जो है अभाज्य कोटि की घात में, ऐसे सभी समूह जिनमें सदस्यों की संख्या जो है वो अभाज्य संख्या की घात में हो, पी स्क्वायर पी पी क्यूब ऐसा, है ना, इन अदर वर्ड्स ऑल प्राइम पावर ग्रुप्स आर इंपोर्टेंट, ऐसे सभी समूह जिनमें सदस्यों की संख्या अभाज्य किसी अभाज्य संख्या के घात में व्यक्त कर सके, किनके समूह के सदस्यों की संख्या, द प्रूफ इज बाय इंडक्शन ऑन एम, यदि एन बराबर एम लेते हो तो ये आप जानते हो अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है और हर चक्रीय समूह अबेलियन होता है, और आपने प्रूफ किया है जो शुरू में थ्योरम थी आपके थ्योरम नंबर थर्ड या फोर्थ थी कि हर अबेली समूह निलपोटेंट होता है, कि यदि आपका एन बराबर वन लेते हो तो ऑर्डर जी पी प्राइम ये हुआ साइक्लिक इसलिए हुआ अबेलियन इसलिए हुआ निलपोटेंट, है ना। इंडक्शन हाइपोथेसिस लीजिए, इंडक्शन हाइपोथेसिस में जो आप ले रहे हो इसको आपको इनसर्किल कर दीजिए और इनसर्किल करने में आपका ये लीजिए आपका काले से लोगे तो ना सुन रेड से ले लीजिए, चलिए रेड लेट द थ्योरम बी ट्रू, ये आपके आगमन की परिकल्पना आपने ली, मतलब इस जो इंडक्शन मेथड से प्रूफ कर रहे गणित आगमन विधि से, और आगमन की परिकल्पना ये है कि मान लीजिए थ्योरम जो है उन सभी समूहों के लिए सत्य है जिनकी कोटि जी की कोटि से
कम है और जिनके लिए प्रमेय की शर्त संतुष्ट हो रही हो। प्रमेय की शर्त क्या है कि उसमें अभाज्य कोटि की घात के रूप में लिख सको उसकी कोटि को। लेट द थ्योरम बी ट्रू फॉर ऑल दोस ग्रुप्स हुज ऑर्डर इज लेस देन दैट ऑफ जी। कंसीडर द क्वेश्चन ग्रुप जी अपॉन जेड जी। हम जो है विभाग समूह जी अपॉन जेड जी, जेड जी क्या है समूह जी का केंद्र, और ऑर्डर जी पी की पावर एन है, जेड जी इसका सब ग्रुप है। तो जेड जी जब आपका सब ग्रुप है तो लैग्रांज प्रमेय से, आपने लैग्रांज प्रमेय पढ़ी होगी बीएससी सेकंड ईयर में अमूर्त बीजगणित में, लैग्रांज प्रमेय ये कहती है कि उपसमूह की कोटि समूह की कोटि को विभाजित करती है, उपसमूह की कोटि समूह की कोटि को विभाजित करती है। सो वे लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। हेंस अगर आपका ये ऑर्डर ऑफ जेड जी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी जो हुआ ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जेड जी इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, है ना। तो ये आपका इंडक्शन हाइपोथेसिस से प्रमेय सत्य होना चाहिए जी अपॉन जेड जी, तो जी अपॉन जेड जी हो गया निलपोटेंट। थ्योरम थर्ड जो आपने की है आपका आप लगा दिए, थ्योरम थर्ड कह रही है कि आपका जेड जी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और जी अपॉन जेड जी आपका निलपोटेंट है। जेड जी समूह का केंद्र जो होता है ये भी आपका प्रमेय आपके अंडर ग्रेजुएट ने पढ़ी होगी बीएससी सेकंड ईयर में अमूर्त बीजगणित में, कि जो समूह का केंद्र है वो समूह का प्रसमान उपसमूह होता है। समूह का जो केंद्र है जेड जी वो जी का प्रसमान उपसमूह होता है। जेड जी नॉर्मल जी, जी अपॉन जेड जी निलपोटेंट हो गया इंडक्शन हाइपोथेसिस से, तो ये दोनों जो चीज है ये मिला के दे देंगे जी इज निलपोटेंट। है सिर्फ ऑर्डर जी पी की पावर एन, तो ये जी हो गया निलपोटेंट। लास्ट थ्योरम बची, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी देन। हाँ ये आपका उल्टी साइड से नहीं मिलता, एच आपका सब ग्रुप ऑफ जी है इस प्रकार से कि यदि एच जी बाई एच दोनों ही निलपोटेंट है, एच जी बाई एच दोनों निलपोटेंट है, तो इससे कोई जरूरी नहीं आपको मिले कि एच जी बाई एच निलपोटेंट हो जी भी निलपोटेंट हो। इसको हम प्रूफ करेंगे वी शो इट बाय एन एग्जांपल। आप कंसीडर करिए ए थ्री क्या है, पहले एस थ्री समझिए, क्रमचय समूह आप पढ़े होंगे परमुटेशंस है ना, एस थ्री के ये क्रमचय समूह है थर्ड ऑर्डर का, इसको पी थ्री भी लिखते हैं है ना। एस थ्री और आपका ए थ्री एकांतर समूह हुआ, एस थ्री में सदस्य संख्या रहती है फैक्टोरियल 3 बराबर 6, ए थ्री में उसके आधे हुए ठीक है। ए थ्री आपका यहाँ पे ए थ्री और एस थ्री अपॉन ए थ्री दोनों ही निलपोटेंट है, ए थ्री भी निलपोटेंट होता है और एस थ्री अपॉन ए थ्री भी, लेकिन एस थ्री निलपोटेंट नहीं है, कारण आप शुरू में देख चुके थे उदाहरण के रूप में कि ये जो एस थ्री का केंद्र है आई हुआ, तो इसकी कोई अपर सेंटर सीरीज नहीं बनती है। यहाँ पे जो ए थ्री का केंद्र है जेड ए थ्री बराबर ए थ्री, एक्चुअली जो एस थ्री में सदस्य कैसे रहते हैं, ये तीन नंबर्स 1 2 3 पे आप क्रमचय बना लीजिए, तो इसमें रहेंगे आई 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, ये हुआ एस थ्री। ए थ्री के सदस्य क्या होंगे आई, आई मीन क्रमचय में ऊपर भी 1 2 3 नीचे भी 1 2 3 ठीक है। और ये आपका बना है ना सेंटर आपका अबिलियन पार्ट है, इसलिए अबिलियन हुआ, इसलिए आपका निलपोटेंट हुआ। यहाँ जेड ए थ्री है और सेंटर बिंग एबिलेंट पार्ट ए थ्री एबिलेंट हुआ इसलिए निलपोटेंट हुआ। और एस थ्री अपॉन ए थ्री क्यों निलपोटेंट है, एस थ्री अपॉन ए थ्री आपका आइसोमॉर्फिक, ये आपका तुल्यकारिता का सिंबल है 1 और -1 का, और ये जो आपका केंद्र 1 -1 जो सेट है इसका केंद्र क्या हुआ यही रहेंगे है ना, 1 भी आपका क्रमेनियम का पालन करेगा -1, दो ही सदस्य है ना 1 और -1, कोई और होता 1 और -1 के अलावा तो बात अलग थी, इसलिए ये भी निलपोटेंट हुआ, लेकिन एस थ्री निलपोटेंट नहीं है जैसे कि आपने आगे दिखाया। इस टाइप से आपका निलपोटेंट ग्रुप आपका खत्म हुआ, ये आपका सेकेंड यूनिट अब आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे आपका ग्रुप जो थ्योरी थी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ग्रुप थ्योरी में दो यूनिट आ गई और ये दोनों ही आपकी किस पे थी, सब नॉर्मल एंड नॉर्मल सीरीज पे ठीक है। तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपके एक्सटेंशन फील्ड शुरू हो गई।